वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम डॉग चक का फोर्थ पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। ये स्क्रू का लॉक है जो इसके बैक साइड में लगने वाला है। तो इसमें देखिए सारे एक्सट्रूड कट यहाँ पे अप्लाई किए हमने और एक सिंपल सा डिज़ाइन है, तो आज हम ये बनाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें। इसका डायमीटर रहेगा 38 mm। फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। इसकी हाइट रहेगी 82.6 mm। इसकी हाइट 82.6 mm हमने अप्लाई की है। अब यहां पे हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। एक सेंट्रल लाइन यहां पे क्रिएट करनी है हमें। लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, फिर वापस इस लाइन को बैक ले जाने के बाद ये ऑटोमेटिक आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। अब इस लाइन को और इस सेंट्रल लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन सिमेट्रिक। अब इसके डायमेंशन हमें अप्लाई कर देते हैं 20 mm, 21 mm विड्थ, और यहां से होल शिफ्ट की 21। इस तरह से हमने ये एक स्केच क्रिएट किया है। इसको फीचर में जाके और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। थ्रू ऑल बोथ और ओके करना है। फिर से फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, आर्क को सिलेक्ट करना है, होल कंट्रोल की और इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और ऑफसेट करना है रिवर्स। दोनों के बीच का गैप रहेगा 5 mm और ओके करना है। यहां से इस लाइन को क्लोज कर देना है। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए ऑफसेट, हमें ऑफसेट रखना है जो हमने स्केच क्रिएट किया है उसे। सॉरी, मिड प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मिड प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी साइज रहेगी 8 mm। 8 mm मिड प्लेन यहाँ पे हमने कट किया है, देखिए इस तरह से। फिर से फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है स्केच, और यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है हमें। इसका डायमेंशन रहेगा 50 mm। फीचर में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है।
ब्लाइंड कंडीशन, यहां पे देखिए एक ऑफसेट यहां पे है फीचर, इसको ऑन करना है और यहां पे 12.5 mm ऑफसेट रखना है इस तरह से, देखिए थ्रू ऑल। और ओके करना है। मिरर फ्रंट प्लेन और यहां पे जो हमने कट किया था उसे सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अब इसका अपीयरेंस अप्लाई करेंगे हम, अपीयरेंस में जाके यहाँ पे हमें मेटल में जाना है, मेटल में जाने के बाद यहाँ पे स्टील, स्टील में जाने के बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील और ओके करना है। इसे भी हम सेव कर देते हैं। ये हमारा स्क्रू लॉक है, इसे स्क्रू लॉक के नाम से हम सेव करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।